हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार आप सब लोग? मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक, बढ़िया मस्त हूं। मजे में हाँ, वो अलग बात है कि हल्की फुल्की नींद थोड़ी सी कम की है आज मैंने। पूछा मैंने कुछ सीनियर था, कल काफी नींद कर चुका था मैं। आज रात को नींद ही नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट में कि सुबह यूनिवर्सिटी जाना है और अभी जा रहे हैं। बस मन आ गया मुझे लेने, ये शर्ट हो जाए स्त्री, निकलते हैं। अरे यार, हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं और अंदर पता नहीं डिपार्टमेंट में कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो इन भाई साहब वालों को जो है ना एंट्री नहीं मिल रही यहाँ पे। आ जाओ भाई, नहीं जाने देंगे, इधर आ जाओ। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, दोस्तों ने कहा है भाई चल यूनिवर्सिटी आया तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, तो बस अभी जा रहे हैं सीएल पे, तो जो किताबें शिताबें देखेंगे और देखने के बाद वापस आ जाएंगे। और क्या करते हमारे मिल चुके हैं, चाय अपनी आ चुकी है, ये खत्म करते हैं, इसके बाद चलेंगे अफाक भाई वालों के पास, वो उधर बैठे हुए हैं। हमें बस आया था अपने कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात करने, बस चाय के बाद निकल। दादा बाइक बड़ी प्यारी चल रही है यार, काफी स्मूथ, बड़ा मजा दे रही है। सीधे लेके घूम रहे हो अफाक भाई, ये फंस गया भाई। मंसूर ने रखा है मेरे बैग में, उसे पता होगा। क्या क्या चीजें निकल रही है यार, क्या है सीन, क्या है आपका? मंसूर लगा था डेली कल। भाई वालों को अल्लाह हाफिज करके मैं आ चुका हूँ अपनी संगत के बाद। अयो भाई, सलाम सर, क्या ले तक कयो ता तो सलाम कयो, अस्सलाम वालेकुम। ई है नौ नी दीवांगे किया अचानक ना, सलाम सर, सर। गाइस, चाय के ऊपर चाय, मुझे ना आयत याद आ गई वो वाली। गाइस सुबह से तीन मिल चुकी है, चाय की बात हो रही है। बाकी अगर किसी के जहनों को मानना कोई ऐसी बात है कि कोयल भाई जो है अभी वायात हो गया है, यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहा है, तो अपनी सोच को बदलो। अगर मेरी नीयत खराब होती ना तो सफेद जूते, नीले पीले जूते लगा के आता, यूं वॉशरूम वाली चप्पल पहन के नहीं आता यूनिवर्सिटी। यार तेरा भाई ब्रांडेड सैंडल पहन के आया, लगी पड़ी हुई है, देख कौन सा ब्रांड है, ब्रांड का नाम बताओ फक भाई। सॉफ्ट, ये नया पुल से लिया था इसने, 800 रुपए में जोड़ी माँ या फक भी वही 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 सीन जोन है गाइस, ये सारी है बड़ी चाय अफाक भाई। 50 रुपीज कंपेरिजन विद जीरो, एक जगह आपको 50 रुपए भरने पड़ेंगे, आप इज्जत से जाएंगे, ये फ्री वाला काम है। इतने फ्री के लंगर पे खुल जाता है, वीडियोस में आता है नहीं, चेक कर हमरा वीडियो में आता ही नहीं। और ये गए हैं बड़े शशके वशके मार के भुट्टे को जो है ना, प्रोटोकॉल साथ छोड़ के आए हैं। गाइस सीन्स सारे डन हो चुके थे, अभी हमने कहा कि आए हैं तो अल्लामा साहब की जो है कब्र पे फातिहा पानी करते हैं, उसके बाद जो है निकलेंगे। अलामा आया काजी, हमने तकरीबन 8th-9th क्लास में इनका जो है एक सबक पढ़ा था, ठीक है। इधर भाई, इनकी पर्सनैलिटी का मैं फैन तब हुआ था जब मैंने वो किस्सा सुना था ट्रेन वाला। यार मतलब इतना ज़बरदस्त, मतलब शख्सियत थे, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे यार, बस उनकी उस एक किस्से की वजह से मैं उनका फ़ैन हो गया भाई। ये है कब्र डॉक्टर नबी बख्श बलोच, सिंध के पहले PhD थे। अच्छा, ये कब्र है इब्राहिम जोयो साहब की, और यहाँ ऊपर जो अयाज की शायरी लिखी हुई है ना, आए हाय हाय जबरदस्त यार, ये रही मुर्शिद की शायरी। अफाक भाई बताएं कुछ इनके बारे में। भाई ये सिंध के बहुत बड़े राइटर थे और इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं सिंधी में, और इंग्लिश में भी बुक्स लिखी हैं, और ये 102 साल की उम्र में 2017 में इनकी डेथ हुई थी। तो गए हम लोग अपनी वापसी की तैयारी, जा रहे हैं, बस तैयारी नहीं है बल्कि रास्ते में ही है, बस जा रहे हैं घर की तरफ। इस तरफ कोटरी का मंजर, इस तरफ हैदराबाद का मंजर, मतलब जामशोरों से जैसे ही आप निकलते हो ना, इतनी यार प्यारी वाइब्स आती है भाई, क्या कमाल की मतलब चीजें हैं हमारे पास भाई। ये चीज आपकी कब आने वाली है, ये क्या मतलब भाई? तो भाई ये हमारे एक दोस्त हैं दानिश, काफी सालों से इन्होंने कवर पे जो है ना मेरी पिक्चर लगा रखी, तो कहना यह था लोग का कहते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।